हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। लास्ट थ्री सेशंस में हमने 24 टॉपिक्स का रिवीजन किया है। शुरुआत करते हैं 25th टॉपिक से, उइगोर मुस्लिम्स। नाम सुना होगा, जिंगजियांग रीजन, चाइना। मुद्दा जानने का नहीं है कि जनरल आइडिया, मुद्दा है कि इन्फॉर्मेशन जो चाहिए इसके अराउंड जिससे क्वेश्चन बन सकता है उस पर हमारा ध्यान है कि नहीं। चलिए ध्यान देते हैं। उइगोर मुस्लिम जिंगजियांग रीजन में पाए जाते हैं, राइट। एथनिकली टर्किक हैं, टर्किक एथनिसिटी है जो मेजॉरिटी में आज के टर्की में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी ये नंबर्स में है, राइट। उइगूर मुस्लिम्स नॉन लिंग्विस्टिक टर्किक एथनिसिटी हैं, यानी कि इनकी अपनी अलग लैंग्वेज है, ठीक है। इस पे अगर क्वेश्चन बनाए, वो इस डिटेल पे खेले, तो ध्यान रखिएगा नॉन लिंग्विस्टिक है, अपनी अलग लैंग्वेज है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो जो टर्की में लैंग्वेज है, क्योंकि मेजॉरिटी में वहां पर है, वो लैंग्वेज उइगूर्स नहीं बोलते, ठीक है। इसके अलावा ये सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में पाए जाते रहे, राइट। अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा और अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा। द उइगूर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेटिव टू द जिंगजियांग उइगूर ऑटोनोमस रीजन इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं। Chinese government recognize Uyghurs as indigenous people of Xinjiang region. मुझे बताइए statement true है कि false है? आप कहेंगे कि सर यहाँ लिखा तो है recognize as native और आपने बस indigenous word use कर दिया, तो क्या difference आपने कर दिया? Statement सही है, लेकिन statement actually false है। You know what's the difference? क्योंकि यहाँ मैंने कहीं भी Chinese government नहीं लिखा, लेकिन मैंने स्टेटमेंट में चाइनीज गवर्नमेंट बोला, यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उइगूर्स जो हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, और स्पेशली ये जो टकला मकान डेजर्ट है इसके आसपास जो ओएसिस हैं वहीं पर उइगूर मुस्लिम्स रहते थे, राइट। 10th सेंचुरी में बेसिकली ट्राइब्स की तरह रहते थे, उस टाइम पर इस्लाम वहां पर नहीं पहुंचा था। 16th सेंचुरी तक बेसिकली इस एरिया में वो इस्लाम यू कैन से स्प्रेड हो गया था, राइट। दे अडॉप्टेड दिस, तो यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट इनको इंडिजिनस रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन एथनिक माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज करती है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या हो गया, ये बताइए। देखिए, अगर आपने इंडिजिनस रिकॉग्नाइज कर लिया तो अब उन लोगों के राइट्स और ज्यादा होंगे जो चाइनीज गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे ऑफिशियली, राइट, क्योंकि वो वास्तव में वहीं के रहने वाले थे, राइट। तो हाउ कैन अ गवर्नमेंट एक्चुअली टेक अवे दीज राइट्स, राइट। अब चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट किसी और आइडेंटिटी को चाइनीज नेशनैलिटी एज एन आइडेंटिटी से सुपीरियर नहीं स्कोप देना चाहती, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का चांस नहीं चाहती, और इसी वजह से डिटेंशन कैंप में मोर देन 10 लाख उइगुर मुस्लिम्स को रखा गया है। वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है, लेकिन बेसिकली ट्रेन किया जाता है चाइनीज प्रोपेगेंडा में। चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहती है कि जिस तरीके से वो सोचें, जिस तरीके से वो चाइनीज आइडेंटिटी में यू कैन से एसिमिलेट हों, राइट। तो इस डेजर्ट का नाम याद रखिएगा, मुझे लगता है डिफिकल्टी नहीं होगी नाम याद रखने में, टकला मकान डेजर्ट, राइट। ये उरुमकी, ये कैपिटल है जिंगजियांग रीजन की, जिंगजियांग रीजन, जिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन। जब मैं उइगुर मुस्लिम्स की बात करता हूं तो आपके दिमाग में जो पिक्चर आती है इस रीजन की, एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो आमतौर पर आती होगी कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं होगा, या डेजर्ट टाइप ही होगा। डेजर्ट तो केवल एक एरिया है इसका, राइट। ये पूरा जिंगजियांग रीजन, इसके यहां पर आप डेजर्ट देख रहे हैं, यहां पर आप तिब्बत देख रहे हैं, ठीक है। जबकि ये कैपिटल देखिए आप, ठीक है, तो हल्के में नहीं लेने का। इसके बाद देर आर वन ऑफ चाइनाज 55 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटी। मैंने क्या कहा, एथनिक माइनॉरिटी तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, 55 में से एक है वो, और तिब्बतन्स जो हैं वो भी एक एथनिक माइनॉरिटी हैं अकॉर्डिंग टू चाइनीज। रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी ओनली एज एथनिक रीजनल माइनॉरिटी, रिजेक्ट्स दैट एज एन इंडिजिनस ग्रुप, जो मैंने भी आपको समझाया। उइगुर स्पीक देयर ओन लैंग्वेज सिमिलर टू टर्किश, राइट, ओन लैंग्वेज, लेकिन शेयरिंग बॉर्डर्स विद 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड अफगानिस्तान। ये बेसिक डिटेल हो गई। इसके अलावा देखिए, अराउंड 1.7% पॉपुलेशन मुस्लिम है चाइना की, और इसमें हुई एंड उइगूर, ये दो मुस्लिम कम्युनिटी प्रोमिनेंट है। तो ध्यान रखिएगा हुई कम्युनिटी, क्लियर है बात। तो ये आपको डिटेल्स, डोंगजियांग, सलार एंड बोनान, ये रीजंस हैं जहां पर आपको ये हुई कम्युनिटी मिलती है, जैसे कि जिंगजियांग में आपको उइगूर मुस्लिम कम्युनिटी मिलती है। अब इसके बाद आता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट।
इसके बारे में आप इतना कुछ पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि ऐसा लगता होगा कि आप बिल्कुल वॉर के बीच में होकर आए हैं, इतना कवरेज हुआ है इसका। लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स पर हमें ध्यान रखना होगा प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए। देखिए, टेंशन कब से स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो जो यूक्रेन है वो यूएसएसआर का पार्ट होता था, राइट? उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो यूक्रेन अलग से देश बन गया। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सीआईएस, क्योंकि मैं आज एक और टॉपिक में कॉमनवेल्थ नेशंस की बात करूंगा, तो कॉमनवेल्थ नेशंस और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स दोनों में डिफरेंस है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स मैं केवल उन देशों के लिए यूज करूंगा जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होकर अलग हुए थे, राइट? एंड कॉमनवेल्थ नेशंस हम किसके लिए यूज करते हैं, जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। हालांकि यहां पर भी वो क्वेश्चन खेल सकता है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि केवल जो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे वही आज कॉमनवेल्थ का पार्ट है। इस क्राइटेरिया में भी रिलैक्सेशन ब्रिटेन ने दिया है, ठीक है? तो कौन सा ऐसा नेशन है जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं था लेकिन आज वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है, इसके बारे में बताइएगा आप कमेंट्स में। ये केवल इस वजह से होती है एक्सरसाइजेस कि इस बहाने आपके पास कई सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो जाती है, और यही नेचर है आपके प्रीलिम्स एग्जाम का, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है ना उसको डिमिनिश करने का यही एक तरीका है इस एग्जाम को ऐसे टैकल किया जाए। अब देखिए, 2013 की बात है, तो उस टाइम पर जो यूक्रेन है उसकी एक डील होनी थी, ट्रेड डील होनी थी, यू कैन से विच वॉज शोइंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन। अब क्योंकि ये कभी यूक्रेन का पार्ट, कभी रशिया का पार्ट, यूएसएसआर का पार्ट था, तो रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है उनके साथ ट्रेड डील करे। एक तरीके से ये शिफ्ट होने वाली बात हुई और ये मानने वाली बात हुई कि अब हम जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जो यूएस की हेजमनी है हम उसको बेसिकली रशिया के दरवाजे पर ला रहे हैं। और देखिए, रशिया की अगर मेजर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सेंटर्स देखेंगे आप तो ईस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं। रशिया का मानना है अगर यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन गया और यहां पर नेटो एस्टेब्लिश हो गई तो सीधे तौर पर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है रशिया के वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, राइट? तो रशिया इसको इस तरीके से देखता है। तो ऐसे में उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर याकुनोविच, वो रशिया की तरफ टिल्ट रखते थे। इस वजह से यूक्रेन की पार्लियामेंट ने जब इस ट्रेड डील से रिलेटेड प्रपोजल क्लियर भी कर दिया तो मिस्टर याकुनोविच ने साइन नहीं किया। तो ऐसे में जनता में विद्रोह आ गया कि ये तो बेसिकली ही इज लाइक अ पपेट ऑफ पुतिन। तो जनता सड़कों पर आ गई, तो याकुनोविच तो हटा दिए गए। लेकिन 2014 में हमने देखा कि ये जो क्रीमिया है इसका एनेक्सेशन कर लिया रशिया ने, राइट? और वहां पर रेफरेंडम कराया और बताया कि देखिए जनता ही चाहती है कि आप रशिया के अंडर रहें। हालांकि वो रेफरेंडम कितना सही कितना नहीं इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि यहां पर एनेक्सेशन क्यों जरूरी था, क्योंकि ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से कनेक्ट करके वो मेडिटेरेनियन सी से अपने ट्रेड इंटरेस्ट को बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं। रशिया एनेक्स दिस। अब क्वेश्चन कहां से बन सकता है, यूक्रेन के बॉर्डर एरिया से क्वेश्चन बन सकता है। बॉर्डर कंट्रीज कितने हैं, 7 बॉर्डर कंट्रीज हैं। एक एक को ध्यान दे लीजिए, बिल्कुल जज्ब हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। रशिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और आपका मोल्डोवा है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो ये बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर नेशन ऑफ यूक्रेन, ठीक है? एक दूसरे नेचर का जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछती आई है वो कई बार नॉर्थ साउथ करके क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे कि कह देगा कि रोमानिया इज एक्चुअली इन नॉर्थ ऑफ यूक्रेन, तो रोमानिया इज इन साउथ ऑफ यूक्रेन। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए कि यहां से क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। एक नेमोनिक ध्यान में रख लेंगे तो आपके लिए चीजें ईजी हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? यूरो मैदान मूवमेंट हुई जब ये एनेक्सेशन और जो याकुनोविच वाला फियास्को हुआ, तो यानी कि जनता सड़कों पर आ गई। इट बिगेन इन नवंबर 2013। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, यूरो मैदान मूवमेंट ध्यान रखिएगा कि ये यूक्रेन से संबंधित है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है? अब इसके साथ साथ देखिए, यूरो मैदान मूवमेंट तो ये शो कर रही है कि हम भाई अपनी स्वायत्तता चाहते हैं, अपना ऑटोनोमस चाहते हैं, ऐसी सरकार जो पुतिन के फेवर में ना रहे, राइट? यू शुड हैव ऑटोनोमस स्टेटस, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो। अगर हम चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध रखना ट्रेड एंड पॉलिटिकल, जिससे हमारे इंटरेस्ट बेटर हो रहे हैं, तो हमें वो करना चाहिए देश के भविष्य के लिए। लेकिन जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो कि रशिया, जो कि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, आपको ये मैप दिख रहा होगा, तो इस मैप में ये वाला रीजन देखिए, लुहांस्क एंड डोनास्क। तो बेसिकली इस रीजन में जो एथनिक प्रोफाइल है लोगों की, वो भी एक कारण है, यानी कि रशियन एथनिक प्रोफाइल ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वो लोग मांग करते रहे कि भाई हमें तो अलग होना है। और ऐसे में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जो पहली न्यूज़ आपने देखी होगी, तो पहला सिग्निफिकेंट न्यूज़ वो ये थी कि पुतिन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है इस रीजन को कि ये दो अलग बेसिकली रिपब्लिक्स हैं, राइट? तो डोनबास रीजन
डोनबास की रीजन हम किसको कहते हैं? डोनेस्क एंड लुहांस्क रीजन को। क्लियर है बात? इसको दो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स पुतिन ने रिकॉग्नाइज किया। ये कहा जाता है बेसिकली इसमें सपोर्ट किसका रहता है? पुतिन का रहता है इन रिबल्स को। अब ये मिन्स वन मिन्स टू भी आपने करंट अफेयर्स में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आपको बेसिकली समझा रहा हूँ ये कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। आमतौर पर ये देखते हैं कि ठीक है, मिन्स एग्रीमेंट से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो क्राइसिस हुए थे इससे पहले, तो उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। ऐसे इसको मत लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा किस पार्टीज के बीच में मिन्स वन था और मिन्स टू था, दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि मिन्स वन देखिए, यूक्रेन एंड रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट एग्रीड अ 12 पॉइंट सीज फायर डील इन द कैपिटल ऑफ बेलारूस। जो ये रिबल्स थे, यानी कि ये लुहांस्क और डोनेस्क प्रोविंस की बात कर रहे हैं, तो ये किसके बीच डील साइन हुई थी? क्या इस डील में कहीं आपको रशियन गवर्नमेंट दिख रही है? इस एग्रीमेंट में कोई रशियन गवर्नमेंट दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, क्योंकि ये दो पार्टीज के बीच में हुई है और दोनों पार्टीज कौन है? यूक्रेन और रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं, रशियन गवर्नमेंट नहीं है इसमें। क्लियर है बात? जबकि मिस टू देखिए, 2015 कहां, कौन सा समय है? तब तक क्रीमिया का एनेक्सेशन हो चुका है 14 में, राइट? An open conflict was averted after Minsk II peace agreement was signed under the mediation of France and Germany. ये तो बेलारूस में हुआ था। It was signed by representatives of Russia. अब देखिए यहाँ पर Russia आया Minsk II में। Russia, Ukraine, Organization for Security and Cooperation in Europe. और ये जो organization है OSCE, इससे भी हम expect कर रहे हैं कि इस बार question आ सकता है। हम उसकी भी detail में जाएंगे, tension मत लीजिए, आराम से हम बात करेंगे। The leaders of two pro-Russian separatist group. तो यानी कि Minsk II agreement कितनी parties के बीच में हुआ? There are five parties. आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे separatist group तो दो थे अलग अलग, और साथ में Russia, Ukraine and this organization. Right? याद करने वाली कोई difficulty है ही नहीं। Russia, Ukraine का war चल रहा है, इसके साथ OSCE वो regional security की सबसे बड़ी intergovernmental organization है world की, जिसकी जिम्मेदारी है कि हम रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस के लिए काम करते हैं। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और आपके दो सेपरेटिस्ट ग्रुप हो गए। क्लियर बात? करंट सिचुएशन क्या है? करंट में वॉर चल रहा है, आपको पता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, ठीक है? कोई एनजीओ सिविल सोसाइटी ग्रुप नहीं है कि हम पीस के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। OSCE इज कंसर्न्ड विद अर्ली वार्निंग। अब एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो कह देगा कि OSCE is actually a part organization, intergovernmental organization working for peace and specifically works only in post-conflict rehabilitation. तो कई students को लगेगा कि यार यूक्रेन में crisis तो हो ही रहा है, तबाही हो रखी है, तो ऐसे में ये post-conflict rehabilitation में शायद ये काम करती हो, right? ऐसा नहीं है। देखिए इसके अलावा early warning में, conflict prevention में कि conflict हो ही ना, crisis management में जिस time ये हो रहा है, और उसके बाद post-conflict rehabilitation, यानी कि conflict की हर stage में OSCE का रिलेवेंस है। समझ रहे हैं बात? मोस्ट ऑफ इट्स 57 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इन यूरोप, बट देर आर फ्यू मेंबर्स प्रेजेंट इन एशिया नॉर्थ अमेरिका। अब ध्यान रखिएगा, वो ऐसे पूछ दे, वो बोल देगा आपसे कि एक्चुअली ये यूरोप सेंट्रिक है, राइट? और वो ऐसे कर देगा कि ओनली, लेकिन ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ इट्स है 57 कंट्रीज। वैसे एशियन नॉर्थ अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स भी OSCE का पार्ट हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि अब आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो। ये रहा OSCE, ह्यूमन डायमेंशन इंप्लीमेंटिंग मीटिंग, ये रही वो डिटेल्स कुछ। इट हैज ओरिजिन्स इन मिड्स 75 कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली स्टार्ट क्यों हुई थी ये? उस टाइम क्या चल रहा था वर्ल्ड में? कोल्ड वॉर चल रहा था, राइट? और आपको पता होगा यूरोप भी दो पार्ट में था, एक वेस्टर्न ब्लॉक था, एक ईस्टर्न ब्लॉक था। ईस्टर्न ब्लॉक वॉज डोमिनेटेड बाई USSR, वेस्टर्न ब्लॉक वॉज डोमिनेटेड बाई USA। तो इन दोनों ब्लॉक्स में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, ये इसका मेजर आइडिया था इसको बनाने का, राइट? दिस इज हियर। इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा एज अ फोरम फॉर डिस्कशन बिटवीन वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। यहां से एक स्टेटमेंट OSCE से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी चीजें हमने देखी है। G20 ट्रॉयका, ये चर्चा में सबसे पहले दिमाग में आपका आना चाहिए, G20 तो सुना है, ट्रॉयका है क्या, राइट? G20 ट्रॉयका में तीन देशों का नाम आया, इंडोनेशिया, इंडिया, इटली। देखिए सीधी बात है, देखिए अगर कोई चेयर है G20 की मीटिंग चेयर कर रहा है, जैसे मान लीजिए अभी इंडिया करेगा, तो ऐसे में इंडिया ने कुछ एजेंडाज को टेकअप किया, कुछ हमने फाइनल की जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चेयर होगी, जो नेक्स्ट चेयर होगी कंट्री, तो इंडिया को उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि देखिए पिछली बार एजेंडा में ये फाइनल हुआ था और हम चेयर कर रहे थे,
अब नेक्स्ट मीटिंग में आप ये भी देखिएगा कि इन इन पॉइंट्स में से कितने पर क्या क्या प्रोग्रेस है, राइट? तो ऐसे में आपको ही लगता कि जो भी चेयर करे G20 की मीटिंग को, तो ऐसे में उन देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन G20 की इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है, राइट? तो इसी वजह से ट्रॉयका का कंसेप्ट आया था। ट्रॉयका मीन्स अ ग्रुप ऑफ थ्री पीपल वर्किंग टुगेदर, तो ट्रॉयका का मतलब ही होता है थ्री पीपल वर्किंग टुगेदर, तीन। द ट्रॉयका ऑफ G20 इज मेड ऑफ करंट, यानी कि अभी जो चेयर करेगा G20 को, नेक्स्ट यानी कि जो नेक्स्ट साल करेगा, एंड इमीडिएट पास्ट होस्ट जो इससे पहले था, जिससे कि वो ट्रांसफर होता रहे कि हाँ ये एजेंडा था, ये प्रोग्रेस है, जिसे कोऑर्डिनेशन बना रहे। एंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड प्रोवाइड्स प्रेसिडेंसी सपोर्ट। इटली होस्टेड G20 समिट ड्यूरिंग October 30-31, 2021। इंडोनेशिया टुक ओवर G20 प्रेसिडेंसी ऑन December 1, 2021। इंडिया विल एज्यूम G20 प्रेसिडेंसी December 2022 फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल कन्वीन दिस मीटिंग इन 2023। तो इस वजह से ये तीनों G20 ट्रॉयका के पार्ट हैं। UPSC ने G20 से इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा था, ये जरा देखिए, 2020 में ही पूछा था प्रिलिम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द फोर कंट्रीज मेंबर्स, फोर कंट्रीज मेंबर्स हैं G20 के। अब आप कहेंगे सर बेसिक आप बता रहे हो, लेकिन ये रटेंगे कैसे 20 नेशंस, राइट? तो देखिए ये क्वेश्चन होते हैं एलिमिनेशन मेथड से, राइट? जैसे G20 आया तो G20 के ग्रुप्स को आपने देख लिया, ठीक है, दो तीन बार देखा, फिर आपने मैप खोल लिया, ठीक है, मैप में देखा कि यार कौन से एरिया के नेशंस हैं आमतौर पर इसके पार्ट नहीं है, तो वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये वाला एरिया है, इसके नेशन जो है वो G20 के पार्ट नहीं है। तो जब इस तरह की वो समीकरण बनाएगा, इक्वेशंस बनाएगा, तो आप उसके ट्रैप में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर इसका आंसर ये था, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड तुर्की, चारों G20 के पार्ट है, ये आपके मेंबर नेशंस हो गए G20 के। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू में, और नीचे जो कमेंट है तो उसमें भी एक लिंक होगा, उस पर टैप करेंगे PDF आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं बारबाडोस की, लोकेशन चर्चा में थी। बारबाडोस जरा देखिए पहले नेशन कहाँ, ये रहा। आप में से कितने लोगों की फेवरेट टीम, क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज रही है? अगर रही है तो आपको इस एरिया से बड़ा वाकिफ होना चाहिए, राइट? अच्छा मुझे बताएंगे यूसेन बोल्ट कहाँ से है इस एरिया में? तो देखिए ये फैक्ट UPSC नहीं पूछेगी, लेकिन ये आपकी इंक्विजिटिवनेस दिखाती है, क्यूरियोसिटी दिखाती है टुवर्ड्स की व्हाट इज हैपनिंग, हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, कहां से क्या चल रहा है, राइट? बारबाडोस हैज ऑफिशियली रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ II एज इट्स हेड ऑफ द स्टेट। कभी ये कॉलोनी थी बारबाडोस ब्रिटेन की, तो इन्होंने ऑफिशियली हटा दिया उनको कि अब आप जाइए, एंड बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक। क्योंकि रिपब्लिक का मतलब है कि भाई हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हेरिडरी नहीं होगा, और अगर क्वीन है तो यानी कि वो तो हेरिडरी वाला सिस्टम चल रहा है, मोनार्की वाला है ना। So, ये तो बेसिक फैक्ट हो ही गया। मेसन वॉज इलेक्टेड एज बिकम फर्स्ट प्रेजिडेंट, तो नाम तो याद नहीं रखना। हाउएवर विल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द 54 कॉमनवेल्थ नेशंस, लेकिन कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट रहेगा 54 कॉमनवेल्थ ने, मैंने कहा था ना कॉमनवेल्थ नेशंस आएगा आगे। तो ये देखिए रीजन ध्यान रखिएगा, क्यूबा, हैती, पोर्टो रिको, बारबाडोस एंड दिस, ये आपका साउथ अमेरिकन वाला पार्ट हो गया, राइट? कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, ठीक है, पनामा। नाउ स्मॉल आइलैंड कंट्री, साउथ ईस्टर्न कैरिबियन सी, ब्रिजटाउन इसकी कैपिटल है, बारबाडोस इज कैरिबियन कॉमन। अब ये कैरिकॉम एक कम्युनिटी है कैरिबियन नेशंस की, पर्पस क्या है? पर्पस है कि भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो और रीजनल कोऑपरेशन हो। कैरिबियन कम्युनिटीज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 15 मेंबर्स हैं इसमें, जिसका ये पार्ट है बारबाडोस, और आपको बताया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल कोऑपरेशन। अब है सिडनी डायलॉग, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सिडनी डायलॉग में दिया डायलॉग, तो पता होना चाहिए उनके डायलॉग में क्या था, दो क्रूशियल पॉइंट थे पता होना चाहिए। सबसे पहले सिडनी डायलॉग है क्या, ऐसा नहीं कि किसी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि सिडनी है लिखा है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डायलॉग स्टार्ट किया था, नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट है जिसने ये स्टार्ट किया था। इससे मुझे याद आया, आप मुझे बताना चाहेंगे कि रायसेना डायलॉग का सिग्निफिकेंस क्या है, रायसेना डायलॉग कौन कराता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री कराती है या कोई थिंक टैंक कराता है, क्वेश्चन आ सकता है रायसेना डायलॉग। Now, the leaders of the Sydney Dialogue will debate, generate new ideas. ये बोल बचन वाली बात है, काम की बात पे ध्यान रखना है. Will work towards common understanding of the opportunities, challenges, emerging critical technology. ये main मुद्दा था कि भाई अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो, राइट? अब कुछ देश तो क्रिप्टो के लिए लेकर बहुत ही संशय में है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में मिसयूज ना हो टेक्नोलॉजीज का, राइट? एक कंसेंसस हो नेशंस में, इस ये एक मेजर एजेंडा रहा
इस सिडनी डायलॉग का, जिसमें मोदी जी ने भी अपने यही पॉइंट रेज किए थे। देखिए दो हाईलाइट हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ऑर्डर शुड एंश्योर क्रिप्टो करेंसीज डू नॉट एंड अप इन रॉन्ग हैंड्स। ये डर है इनको, क्योंकि एक डर है ना कि एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाएगी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज आर गोइंग टू यूज़ क्रिप्टो करेंसीज। कहा भी जा रहा है, यूज़ कर भी रहे हैं, डार्क नेट पर तो काफ़ी पहले से यूज़ हो रही है, जब से बिटकॉइन आया था। हाईलाइटेड द लीप्स ऑफ इंडियाज डिजिटल रिवोल्यूशन। साथ में मोदी जी ने बताया कि देखिए डिजिटल रिवोल्यूशन में हम क्या क्या कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे डायलॉग से और ऐसे फोरम से और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये रिविजन के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताएंगे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम किसने स्टार्ट किया। मैंने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस किया था, बताइए आप ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम याद आ रहा है कुछ? फार ईस्ट, मोदी जी एंड पुतिन का मिलना एंड द आउटकम ऑफ दिस मीट, चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक, हम कनेक्ट कर रहे हैं। यस, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द रशियन फेडरेशन इन द ईयर 2015, और इसकी भी हम डिटेल्स में गए थे। मैंने बताया था कि यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो, अगर इस टॉपिक को चूज करेगा तो। इसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ये किसने स्टार्ट किया? सऊदी अरब। इसको कहा जा रहा है दावोस इन द डेजर्ट। तो ये जो नेम है ना, दावोस इन द डेजर्ट, ये ध्यान रखिएगा, दावोस इन द डेजर्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है और आपकी सऊदी अरब की फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, ठीक है? अब दुबई से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? और साथ में एक और चीज, जब मैं दावोस यूज कर रहा हूं तो दावोस कॉन्फ्रेंस से आपको क्या कनेक्ट होता है, मुझे बताना चाहेंगे? किस कॉन्फ्रेंस को दावोस में ही कराया जाता है, प्रोमिनेंट कॉन्फ्रेंस है? जी हां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर है बात? अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में होती है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम है, या किसी देश का फोरम है, या फिर एक एनजीओ सिविल सोसाइटी ने स्टार्ट किया? क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, लास्ट दावोस फोरम में एक आइडिया बड़ा प्रोमिनेंट हुआ, रीसेटिंग कैपिटलिज्म। व्हाट इज दिस रीसेटिंग कैपिटलिज्म, इसको जरा सर्च करिएगा, स्टार पॉइंट में है, और कभी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। लेकिन मुद्दा यह है कि वेब बेस्ड आपको लर्निंग करनी है, इंटरलिंक करना, दिस इज द ओनली वे टू बीट यूपीएससी इन प्रीलिम्स। क्लियर? ओके, नाउ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम होस्टेड बाय फ्रेंच नेवी एट ला रियूनियन आइलैंड। सबसे पहले तो पता होना चाहिए है कहां, ये आपको अफ्रीका दिख ही रहा है, मेडागास्कर, और ये रहा आपका रियूनियन आइलैंड, ठीक है? फ्रेंच टेरिटरी है। अब लास्ट क्लास में मैंने बोला कि फ्रांस जो है एक रेजिडेंट पावर है इंडियन ओशन की। तो एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर रेजिडेंट पावर की जो डेफिनेशन आपने बताई, तो वो डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई देश किसी टेरिटरी में ना हो लेकिन तब भी वो इतनी बड़ी शक्ति हो उस टेरिटरी में, उस मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड पॉलिसी रखती है वो अपनी आर्मी की, नेवी की, तो ऐसे में उसके आसपास के जो देश होते हैं वो मानते हैं कि रेजिडेंट पावर है। यानी कि जब भी इस क्षेत्र का, मतलब इस एरिया के, इंडियन ओशन की अगर हम बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इट्स सिक्योरिटी प्रोग्रेस, तो ऐसे में इस देश के साथ हम कोऑपरेट करेंगे क्योंकि इनके नेवल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, राइट? तो ऐसे में आईडीएस से जो वेबसाइट है वो कहती है रेजिडेंट पावर का डेफिनेशन में कि वो इस एरिया की नहीं है लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आप उसको रिकोगनाइज करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस है, राइट? लेकिन अब अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का तो यहाँ पर आइलैंड भी है, ओवरसीज टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं, रियूनियन के अलावा और भी हैं, तो फिर इसको हम रेजिडेंट पावर क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली ये वर्ड यूज किया मिस्टर एस जयशंकर ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, इंडिया सीज फ्रांस एज रेजिडेंट पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन, इन्होंने बोला, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए मेजॉरिटी एरियाज नहीं है उनके, राइट? दे आर नॉट हैविंग द मेनलैंड हियर, राइट? बट स्टिल दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर पावर, एंड दैट इज व्हाई ही यूज्ड द वर्ड रेजिडेंट पावर। क्लियर है बात? क्योंकि ये जो डेफिनेशन होती है कई बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये बेसिकली मीडिया हाउसेस क्या लिखते हैं, फिर कुछ और रिसर्च जर्नल आया उसने कुछ और लिखा, फिर कोई और मैगजीन आई उसने कुछ और लिखा, तो इस तरीके से स्लाइटली डेफिनेशंस का यूज भी होता है। जैसे इंडो पैसिफिक वर्ड है तो हम इंडो पैसिफिक वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं ये एक रीजन है, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जैसा कुछ है ही नहीं, ये वर्ड तो ऐसे ही है। मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि ये तो जैसे सी में एक फोम होती है ना, वो आती है चली जाती है, इस तरीके से है, राइट? तो यानी कि उसके वर्ड के यूज को हमें देखना है, ठीक है? लेकिन हाँ, कुछ डिटेल्स हमें पता होने चाहिए कि मीनिंग क्या निकल रहा है।
क्लियर है आपको? तो इट इज अ वॉलेंट्री इंक्लूसिव इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर नेवीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन लिटोरल स्टेट। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यार जो इंडियन ओशन रीजन है इसको जो INS इनिशिएटिव है ये बेसिकली कितने रीजन में सब कैटेगराइज करता है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन दिमाग में आपके रहना चाहिए कि अच्छा ऐसे भी सोचना है क्या। इट इंक्रीजेज मैरिटाइम कोऑपरेशन, एनहेंस रीजनल सिक्योरिटी, ऑल्सो सब डेवलप इफेक्टिव रेस्पॉन्स। देखिए जब डिजास्टर आ जाए तो इफेक्टिव रेस्पॉन्स रहे, अगर साथ में ट्रेनिंग करती रहेंगी नेवी तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव रेस्पॉन्स ला पाएंगी। INS इंक्लूड 24 मेंबर नेशंस। अब मुझे बताइए ये तो INS, मान लीजिए UPSC आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे IORA से, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? यानी कि हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि भाई INS ये नेवल सिंपोजियम है। क्लियर है बात? होस्ट किया फ्रेंच नेवी ने, नेवी वर्ड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन IORA इट्स अ ब्रॉड टर्म, राइट? बात करेंगे इस पर। पहले देखिए 4 सब रीजन्स, मैंने आपको कहा था 4 सब रीजन्स। साउथ एशियन लिटोरल्स, साउथ एशियन लिटोरल्स में किसको मान रहे हो? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, UK की ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी इंडियन ओशन। इसके बाद वेस्ट एशियन लिटोरल्स है, मीन्स अरब के पास हम बात कर रहे हैं, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, UAE, ईस्ट अफ्रीका, फ्रांस का खुद रियूनियन हो गया, केनिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, साउथ ईस्ट एशियन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। अब आप कहेंगे कि सर अब मुझे बताइए कि एक एक के ये सारे देश रटें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब रीजन है, ये सब रीजन पता होना चाहिए, ठीक है? इट इज लेस लाइकली कि वो इतनी डिटेल में पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इस वजह से कि एक बार देख लेंगे ना तो आपको ये तो पता ही ना कि साउथ ईस्ट एशिया में ये देश आते हैं, साउथ एशिया टर्म इनके लिए यूज़ किया जाता है, वेस्ट एशिया इनके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो तो ऑब्वियस हो जाएगा ना आपके लिए, राइट? ये कोई अलग से कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, ये इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिस एरिया। क्लियर है बात? नाउ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 23 स्टेट। जरा देखना INS में 24 है, यहाँ पर 23 स्टेट सराउंडिंग द इंडियन ओशन। द कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरिएट इज इन मॉरिशस। इसके बाद PNS तुगरिल चर्चा में थी, पाकिस्तान नेवल शिप, PNS मतलब पाकिस्तान नेवल शिप, चाइना ने गिफ्ट किया है, लेकिन बहुत ही हाई कैपेबिलिटी का, इस वजह से चर्चा में था। सरफेस टू एयर, अंडर वाटर, एनॉर्मस सर्वेलेंस पोटेंशियल है इस नेवल शिप में, वॉरशिप है ये, वर्ल्ड क्लास स्टील्थ कैपेबिलिटी है, यानी कि रडार से आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकता, स्टेट ऑफ द आर्ट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो चाइना ने ये तो दिया ही, उनको बेचा है, साथ में वो जॉइंट में JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं। ये रहा आपका PNS तुगरिल। मिशन सागर, अब देखिए सागर, मिशन सागर और सागर ये दो वर्ड हैं, ठीक है, और दोनों की यूटिलिटी इंडियन ओशन में है, ठीक है। मिशन सागर क्या है जरा देखिए, इंडियन नेवल शिप केसरी एंटर्ड पोर्ट ऑफ मोजाम्बिक, और जिसमें जब ड्रॉट था और पेंडेमिक था उसमें हमने इनको सप्लाई दी 500 टन ऑफ फूड एंड एड। दिस इज द 8th सच डिप्लॉयमेंट इन कॉन्सोनेंस विद प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ध्यान रखिएगा सागर एक ब्रॉड विजन है, एक ब्रॉड विजन है टूवर्ड्स इंडियन ओशन, ठीक है, ऑफ इंडिया। लेकिन जो मिशन आपका सागर है ये इसके अंडर हम कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टू रिफ्लेक्ट अवर ब्रॉड विजन। मिशन सागर इज इंडियाज इनिशिएटिव टू डिलीवर COVID-19 रिलेटेड असिस्टेंस। कंट्रीज इंक्लूड मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स। मिशन सागर इज इन लाइन ऑफ इंडियाज रोल ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन द रीजन। सबसे पहले हम सहायता में आएंगे, क्यों? तभी तो हम लीडर रिकॉग्नाइज होंगे भाई, सम्मान तो तभी मिलता है ना जब आप दूसरों के लिए कुछ करें, तभी तो लीडर बनेंगे। मिशन सागर 2 INS एरावत डिलीवर्ड फूड। मिशन सागर 3 ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, HADR असिस्टेंस टू दीज कंट्रीज इन दिस COVID-19 पेंडेमिक। अब विजन जो सागर है ये ब्रॉड टर्म है, क्लियर है बात? इज इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन इन इंडियन ओशन रीजन, जिसमें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम सभी की ग्रोथ चाहते हैं। हमारा मॉडल अल्टरनेटिव है टू सिल्क मैरिटाइम मॉडल विच चाइना इज परस्यूइंग, विच इज एक्चुअली प्योरली सर्विंग इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एक्चुअली ब्रिंगिंग अदर कंट्रीज इन डेट ट्रैप, राइट? अब यहां से ये तो आपने सुन लिया कि ठीक है मिशन सागर हुआ, यहां से लोकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिशन सागर हमने इन देशों के लिए किया, लेकिन इनकी रिलेटिव लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि UPSC ने क्वेश्चन ऐसा पूछा है। ये आपका इंडिया, यहां पर आपका मालदीव्स है, आपको सेशल्स दिख रहा है, कोमोरोस दिख रहा है, आपको मॉरिशस दिख रहा है, मेडागास्कर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है
आपको ये रिलेटिव पता होना चाहिए, जैसे मालदीव्स, कॉमोरस, मॉरिशस, मेडागास्कर, क्लियर है बात? तो यानी कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है बात? एक बार देख लीजिए और नेमोनिक कुछ दिमाग में रखिए, ठीक है? तो मालदीव्स आपको जाना है, मान लीजिए हनीमून लोकेशन है फेवरेट, तो सबसे पास मालदीव्स पड़ रहा है, मॉरिशस आपको दूर पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ दिमाग लगाइए और आपका काम बन जाएगा। मेडागास्कर तो मूवी बनी हुई है मेडागास्कर, तो वो तो मेन हो गया। कॉमोरोस को ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, तो ये साइड लाइन हो गया। एक अजम्पशन आइलैंड कुछ टाइम पहले चर्चा में था, राइट? अजम्पशन आइलैंड, तो इंडिया ने रडार फिट किए थे, तो वो कहाँ पर है? सेशल्स में है, ठीक है? तो कनेक्ट कीजिए उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीएपीएफ में पूछा था अभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिशन, किसी कौन सा बेसिकली हमने नेवल शिप यूज़ किया था इस मिशन सागर में फॉर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दिस फूड रिलीफ, तो आईएनएस केसरी, अभी आपने इन्फॉर्मेशन देखी थी। तो आई होप आपको अभी क्लैरिटी हो गई होगी इन टॉपिक पे। मुद्दा ये था कि अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि आप इस लेक्चर के बाद भी जब भी करंट अफेयर को देखें तो आपको केवल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है फॉर एक्चुअली दिस एग्जाम, क्लियर है बात? चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।